होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाने के सबसे पहले हम लोग एक थर्माकोल का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और इस टुकड़े को हम लोग छोटा सा नाप के इसको इस हिसाब से असेंबल करेंगे, ताकि क्योंकि गाइस ये किसी स्टूडेंट का है तो उसको भी देना है, वो ले जाके अपने यहाँ असेंबल करेगा, तो मुझे यहाँ पे इसको पार्सल करना था। मैं इसको इस तरह से कुछ सेटअप करूँगा ताकि ये आसानी से यहाँ पे चला जाए और वहाँ पे जाने के बाद स्टूडेंट अपने आप आसानी से इसको असेंबल कर सके। ठीक है, इसको डिसेंबल करके मैं रख दूँगा ताकि आसानी डिसेंबल हो जाए फिर असेंबल हो जाए, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल नॉर्मल सा ये प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, बहुत ही हैवी, इसमें कोई भी बहुत बड़ा कारकुनी नहीं करने वाले, बहुत ही सिंपल, ताकि स्टूडेंट इसमें और भी मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से ये जो घर बनाने वाला जो प्रोजेक्ट है उसको कर देगा। क्योंकि गाइस ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा नॉर्मल ही है, छोटे में ही है, ताकि मुझे बस इतना ही इसमें बनाने के लिए बोला गया कि सर आप इतना ही बना के दीजिए, बाकी की चीज़ें हम लोग इसको बना के खाली कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना के दे रहा हूँ इनको होम ऑटोमेशन का। हम लोग यहाँ पर दिखाएँगे कि कैसे घर बनाते हैं, उस घर के ऊपर थोड़ा सा कलर कर देंगे, उसमें एक दो पेड़ लगा देंगे, उसके छोटे से घर के पीछे एक छोटा सा पानी जैसा कुछ तालाब जैसा बना देंगे, ताकि ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगे। ठीक है, तो भी आप यहाँ पे देख सको, मैं इसके ऊपर छोटे इसमें इसको घाट कुछ बना लूँगा, ताकि घाट जो बैठ आसानी से बैठ सके इसमें। ठीक है, कुछ हिसाब से इसको डिज़ाइन करूँगा, इस हिसाब से काटूँगा कि आसानी से बैठ जाए। ठीक है, कहीं जैसे ही बैठ जाएगा उसके बाद ये रेडी हो जाएगा और हमारा ये जो प्रोजेक्ट का जो घर बनाने वाला काम है ये ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही आसान होगा। इसमें हम लोग बल्ब, आर्डिनो और नोड एमसीयू का यूज करने वाले हैं। चलिए मैं फटाफट थोड़ा से फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसे आप बना लोगे। ठीक है, आप ये मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइस ये घर लगभग कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा असेंबल कर दे रहे हैं ताकि इसको सेटअप कर दें। सेटअप करना, इसमें थोड़ा सा एक दो पेड़ लगा देंगे, कुछ झाड़ियाँ लगा देंगे, ताकि थोड़ा सा ये रियलिस्टिक लगने का प्रयास के साथ, तो रियलिस्टिक तो हो तो नहीं पाएगा। ठीक है, ये जैसे लगभग काम खत्म हो गया, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा अपने सिस्टम की तरफ चलेंगे, जहाँ से हमें ये सारा कुछ इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है इसका, ये सब चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ होगा ब्लैंक अप्लीकेशन। ठीक है, एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग ये सारा कुछ अपना जो भी तामझाम ये सब करने वाले हैं। तो ये तामझाम करने के लिए सॉरी ये ब्लैंक दूसरा वेबसाइट हो गया। ठीक है, अच्छा ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लैंक ऐप की जो स्पेलिंग है वो आप चेक कर लीजिएगा। जैसे आप लॉगिन करना चाहते हो, यहाँ पे आप पहले वेबसाइट ओपन कर लो, वेबसाइट का यूआरएल देख लो, लॉगिन करो इस पर। ओके, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले अपना, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो आ रहे हो तो यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल के फर्स्ट टाइम एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ईमेल आईडी अपना डालूंगा। यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करने के बाद जगह, जैसे मैं अपना यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करता हूँ, देन मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा और मुझे उस वेबसाइट पर जाके वेरीफिकेशन करना पड़ेगा। जैसा कि अभी मैं यहाँ पर साइनअप कर रहा हूँ, साइनअप पर क्लिक किया मैंने। ओके, तो अभी ये मुझे एक वेरीफिकेशन कोड देगा और ये वेरीफिकेशन मुझे जाके अपने मेल आईडी पे ये वेरीफाई इसको करना होगा। तो मैं अपने मेल पे लगभग आ चुका हूँ, अभी ये खुल रहा है मेरा मेल। और देन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको अभी देखिए ऊपर आ गया वेलकम ब्लैंक अप्लीकेशन कंसोल। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, तो मैं यहाँ पे फटाफट पासवर्ड बना लेता हूँ ताकि
मैं अपने एप्लीकेशन बस अब लॉग इन कर सकूँ आसानी से, बस सर अपना साइन अप लॉग इन पर जाऊँ, ईमेल आईडी डालूँ और पासवर्ड डालूँ और उसको लॉग इन कर लूँ। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, आप जो भी चाहो आपका जो भी नाम हो आप नाम लिख सकते हो। लिखने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करते हो और देन यहाँ पे स्किप कर दो, या तो आप नेक्स्ट 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 करके आप आगे भी बढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे फिलहाल में स्किप कर देता हूँ, ठीक है, ओके दोन। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक डिवाइस ऐड करने का हमें होता है, लेकिन एक डिवाइस ऐड करने से पहले हमें एक टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा इस यहाँ पे, क्योंकि विदाउट टेम्पलेट की आप कैसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो कि मैं कैसे इसको टेम्पलेट को ऐड कर रहा हूँ बहुत ही आसानी से, ताकि मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए, बहुत लंबा ना हो जाए, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे कर दिया, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे एक कोड मुझे मिलता है, यहाँ पे इस कोड को मैं नोटपैड पे यहाँ पे सेव करके रख लूँगा, ताकि अभी मुझे के भी अभी जब भी मैं प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, आर्डिनो प्रोग्राम सॉरी नोड एम सी में जब प्रोग्राम डालने शुरू करेंगे हम लोग, तो हम लोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें प्रोग्राम डालने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं आर्डिनो, चूँकि आर्डिनो एक सॉफ्टवेयर भी होता है, आर्डिनो एक हार्डवेयर भी होता है, ठीक है। जल्दी हम लोग इस पर सीरीज भी लाने वाले हैं, ठीक है। तो भी यहाँ पे गाइज सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता चाहूँगा, सबसे पहले हम लोग आर्डिनो का सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तभी ये कुछ होने वाला। तो मैं इसके लिए चला जाता हूँ यहाँ पे, मैं आर्डिनो सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आर्डिनो जैसे ही सर्च करूँगा और मुझे एक वेबसाइट मिल जाएगी, आप यहाँ पर ध्यान से इसको देख सकते हो, 1 मिनट। ओके गाइस, यहाँ पे वेबसाइट ये मिल चुका है, मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे जाकर मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे जाता हूँ, लेकिन याद रखना यार, हमें यहाँ पे भी लेटेस्ट वर्जन का भी यूज़ कर सकते हो और ओल्ड वर्जन यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे थोड़ा से प्रीवियस वर्जन यूज़ करेंगे, ताकि आसानी होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और सॉरी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन क्या, जैसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जहाँ पे इसको चल पाना मुश्किल होता है, तो हम लोग इसके लिए प्रीवियस वर्जन यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस वर्जन अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। 1 मिनट, यहाँ पे प्रीवियस वर्जन हमें जाना चाहिए होगा, हाँ ओके, प्रीवियस रिलीज। ओके, यहाँ पे जाने के बाद ओके, हमें चाहिए होगा, अब इसमें से कोई भी कर लो, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ये 1.8, ये वाला कर लेता हूँ, ओके बेटर है। चलो सेव करते हैं यहाँ पे। सेव करने के बाद देन ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा है, तो मैं इसको फिर से इंस्टॉल फिर से सेव करने वाला नहीं हूँ। मैं सीधे एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक में ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और इसको इंस्टॉल कर लूँगा आसानी से, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट 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 सिंपली नेक्स्ट करना है, और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, रेडी होगा, उसके बाद हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आसानी से। ओके, अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि यार इसका प्रोग्रामिंग कोड कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको आसानी से वहाँ से प्रोग्रामिंग कोड मिल जाएगा, आसानी से आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और गाइस अगर जिसका भी प्रोजेक्ट है अगर वो देख रहा है, तो उसमें भी अगर कोई भी चीज़ अगर ना समझा तो कमेंट भी कर सकते हो, या तो मुझे कॉल भी कर सकता है, ठीक है। और हाँ, अगर आप भी बनाना चाहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, आप इंडिया में कहीं से भी हो, आप आउट ऑफ कंट्री भी हो, तो भी हम लोग यहाँ पे पार्सल करवा देंगे आपका, ठीक है, बट उसका चार्जेस थोड़ा ज़्यादा होगा। आप इंडिया में हो बट तो कहीं से भी बैठे बैठे आप प्रोजेक्ट मंगवा सकते हो, प्रोजेक्ट के सामान मंगवा सकते हो, प्रोजेक्ट बनवा सकते हो, आप ऑर्डर दीजिए, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। ओके, बढ़िया आसान है। अगर गाइस होम ऑटोमेशन का देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ना, बहुत ही बेहतरीन है, और कॉलेजेस में या तो आप इंजीनियरिंग हो, बीटेक हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, आप करने वाले हो, या तो आप स्टूडेंट अभी 12th में हो, तो भी आपको ये सब चीज़ सीखनी चाहिए। और अगर आपको प्रोजेक्ट बनवाना है अपने स्कूल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, तो भी आप बनवा सकते हो। ओके, चलो तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, कंप्लीट तो हो चुका है, मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा, 1 मिनट गाइस।
मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया इसको, मैं अब यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और मैं यहाँ से आर्डिनो को ओपन करूँगा। यहाँ पे सर्च करूँगा आर्डिनो, देन आर्डिनो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके सिंपल है यहाँ पे ये मुझे आर्डिनो खोल के ओपन करके दे देगा। ओके तो गाइस फर्स्ट टाइम अगर आप जब भी इसमें अपना आर्डिनो अपने लैपटॉप या सिस्टम में कर रहे हो तो हो सकता है कि कुछ एरर आए, जैसे कि आपको कुछ लिंक की ज़रूरत पड़े, वहाँ पर नोड एमसीयू का आपको बोर्ड मैनेजर ही ना दिखे या तो आपको टूल्स ही ना दिखे। तो ऐसे में आप जब ब्लॉग पढ़ोगे तो ब्लॉग में बहुत सारे लिंक वगैरह दे रखा है जहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कैसे क्या करना है वो आप सेटअप कर सकते हो आसानी से। ओके बट फिर यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ ताकि आपको कहाँ से क्या आपको अपडेट करके रखना है, क्या अपडेट नहीं करना है, ये आपको पता रहेगा थोड़ा आसान होगा आपके लिए। ओके तो यहाँ पर ये देख सकते हो पूरा टोटल कोड है और मैं यहाँ पर एक मिनट में दिखा देता हूँ। ओके प्रेफरेंस में जाता हूँ। कैसे यहाँ पे एक देखिए आप देख सकते हो कि ये लिंक है, ये लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, अगर आप में नहीं होगा तो आपको डालना पड़ेगा तभी आपको नोड एमसीयू का बोर्ड मैनेजर दिखेगा। यहाँ पे मैनेज लाइब्रेरी पे जाइए और यहाँ पे नोड एमसीयू का जो भी लाइब्रेरी है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है आप यहाँ पर सर्च करोगे आपको आसानी से मिल जाएगा गाइस। ओके बहुत ही आसान है, इसमें कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा और ये तामझाम, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आसानी से मिल जाएगा, टेंशन ना लो। ओके सो देन कैसे यहाँ पे नोड एमसीयू सर्च करोगे आप या तो ESP8266 भी सर्च करोगे तो भी आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। ओके बहुत ही आसान होगा, इसमें आप परेशान होने की बिल, मैंने फिर से बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं, आसानी से आप इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। चलो मैं आपको ESP266 जैसे मैं डाला, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखे हैं। अब इसमें से जितने हैं लगभग कुछ डाउनलोड कर लो, कुछ नहीं डाउनलोड करो, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है लेकिन ESP8266 जहाँ दिखे कन्फर्मली वहाँ पर वो वाला ऑप्शन आपको ज़रूर डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। ओके चलो ठीक है अभी फाइनली ये कम्प्लीट हो गया है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट आते हैं। देखो गाइस यहाँ पर अभी हमें क्या देखना है कि हमें एग्जैक्टली कैसे हमें इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, इस कोड में क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आप ऊपर देख सकते हो कि ये जो आपको ऊपर दिख रहा होगा टेम्पलेट और यहाँ पे आईडी कहाँ कहाँ क्या चेंज कर, आप इसको बिल्कुल पूरी तरह से देख सकते हो। देखो ये वाला जो ऑप्शन होगा इसमें ये इसको आपको चेंज करना होगा पूरा। ओके और इसके अलावा एक मिनट में यहाँ दिखाता हूँ, ये कॉपी किया हम लोगों ने यहाँ से, ऑलरेडी कॉपी करके रखा है हालांकि नोट पैड में फिर भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट में यहाँ पर ओके तो मैं यहाँ पे इसको ये करना है पूरा पेस्ट, मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसको पेस्ट। ओके ये टेम्पलेट था हमारा, ये हमने टेम्पलेट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कन्फर्मली यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। ओके अब हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमारा वाईफाई SSD कोड एंड वाईफाई पासवर्ड। आपको अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है तो उसका SSD यहाँ पे डालना पड़ेगा, मतलब आपके वाईफाई का नाम क्या है SSID में और पासवर्ड में आपके वाईफाई का या मोबाइल के हॉटस्पॉट का पासवर्ड आपको ये डाल के यहाँ पे एंटर करना है। ओके और उसके बाद गाइस यहाँ पे जो ऊपर जो टिक दिया उस पर क्लिक करोगे तो ये कोड वेरीफाई हो जाएगा। अगर कोड वेरीफाई हो गया, कंपाइल कर लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिखेगा डन कंपाइलिंग, अगर कोई एरर होगा तो देन लिखेगा एरर, तो मतलब आपको एरर सॉल्व करना होगा। ओके अब हमें गाइस यहाँ पे अगर आप ये सब कुछ कंफर्म है सही है तो देन अभी हम लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं इसको। गाइस ये जो एरो का बटन बना हुआ है ना, इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग सॉफ्टवेयर अपलोड करना शुरू कर देंगे अपने नोड एमसीयू में। हाँ नोड एमसीयू को आपको अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेना है। अभी एक्चुअली थोड़ा सा कैमरे और रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पर अपना सिस्टम आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ कैसे कनेक्ट करना है, बट आई होप कि आपको इतना पता होगा कि नोड एमसीयू को कैसे अपने डोंगल के USB डोंगल के थ्रू आपको कैसे अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है। आप बहुत आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हो, तो कनेक्ट करके इसको अपलोड करना शुरू कर देना है और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से अपलोडिंग ये करना शुरू कर देगा। ओके और जैसे ही अपलोडिंग 100% कंप्लीट होगा यहाँ पर लिखेगा अपलोडिंग डन या डन अपलोडिंग, ऐसे लिख देगा यहाँ पर देख सकते हो डन अपलोडिंग यहाँ पर इसने लिख दिया है और मतलब ये सक्सेसफुली हमारा कोड इसमें अपलोड हो चुका है और अब हम लोग इस पर आसानी से काम कर सकते हैं। बहुत ही आसान था मेरे ख्याल से, आपको सॉफ्टवेयर अपलोड करना बहुत ही इजी लगा होगा। हाँ बिल्कुल इतना ही इजी है ये। ओके अब हमें अपना जो सिस्टम है एक बार जो आपने नोड एमसीयू लगा के रखा है उसको एक बार डिसकनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर दो, आसान होगा। ओके
ओके गाइस, सो हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे कर लिया है। अब आसानी से आप ये देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे देखो, अभी मैं देख रहा दिखा सकते हो कि डिवाइस ऑफलाइन दिखा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया अपना नोड एमसीयू। अगर मैं नोड एमसीयू डिस्कनेक्ट करूँगा तो ये दिखाएगा डिवाइस ऑफलाइन। बट अगर इसी को इसके जगह अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे, अगर इसमें पावर आ रहा होगा नोड एमसीयू में, देन ये ऑनलाइन हो जाएगा, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट होगा, मतलब वाईफाई ऑन होना चाहिए आपका, जिस वाईफाई का आपने आईडी पासवर्ड दे रखा है यहाँ पे, और उसके साथ ही साथ आपका नोड एमसीयू भी पावर उसमें मिलना चाहिए, तो देन ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ एक बार फिर से कनेक्ट करके, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी भी ऑफलाइन ही दिखा रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से हम लोग एक बार कनेक्ट करते हैं अपना नोड एमसीयू, शायद कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अभी ऑनलाइन आ जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ओके, सो दो तीन बार ये ऑनलाइन ऑफलाइन करने, मतलब डिस्कनेक्ट कनेक्ट करने के बाद ये आसानी से आ गया। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको सिस्टम से देखो, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ सिस्टम से कनेक्ट किया, और मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ ऑटोमेटिक ये बल्ब जल जा रहा है इस बटन पे क्लिक करते ही। तो गाइस आप देख सकते हो कितना आसानी से हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको देख लिया। हाँ, इसका रहा बात इसकी रही कि सर्किट डायग्राम की, हाँ तो सर्किट डायग्राम भी आपको दिख जाएगा, अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा, आगे चल के दिख भी जाएगा, स्क्रीन पे भी दिख जाएगा आपको, और साथ ही साथ आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप ये सर्किट डायग्राम डाउनलोड कर सकते हो। अगर यहाँ पे वीडियो में नहीं मिलता तो आप जाके आराम से जाओ, लिंक पे दिया हुआ है, वहाँ पे आप सर्किट डायग्राम डाउनलोड कर सकते हो, आसानी से कोड डाउनलोड कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। देखो, आप प्ले स्टोर पर जाओ, मोबाइल में कनेक्ट करने के सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाओ, बहुत ही आसान होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे ब्लैंक एप्लीकेशन है, आपको आसानी से इंस्टॉल कर लेना है। देन यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे डाला था, सेम ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डाल के रखना है। ठीक है, support@kamaldevanp.com हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखा, तो हम लोग भी सेम वही आईडी पासवर्ड यहाँ पे हम लोग डालेंगे। ठीक है, ब्लैंक एप्लीकेशन का लॉगिन करेंगे, देखोगे कि आप सक्सेसफुली हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो होम ऑटो करके हम लोगों ने एक बना के रखा था पहले से कोई टेम्पलेट, वो टेम्पलेट यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें बटन जोड़ेंगे। ठीक है, इसी बटन की मदद से ही तो हम लोग अपना जो डिवाइस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक मिनट गाइस, इसको ओके लेट अस गो। ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं कि इस पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक आपको इस तरह से पॉपअप मिलेगा, इसको कैंसिल करो पहले, काट दो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जाके आप बटन पे क्लिक कर दो, बटन ऑफ ऑन दिख रहा है यहाँ पे, पहले बटन के ऊपर क्लिक कर दो। ओके, इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे हम लोग जो जो डेटा स्ट्रीम बना के रखा था उसी डेटा स्ट्रीम को आप यहाँ पे चूज कर लो। ओके, और यहाँ पे पुश की जगह स्विच कर लो, और यहाँ पे जितने भी डेटा स्ट्रीम है वो सारी को वन बाई वन करके हम लोग को सारा जो डेटा स्ट्रीम है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस बटन को कंट्रोल कर पाएंगे अपने मोबाइल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे लेबल में लिख लो ऑफ की जगह ऑफ लिख लो, ऑन की जगह ऑफ, मतलब कि आपको दिखेगा बटन के ऊपर कि आपको ऑन करना है कि ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ होने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको देख लिया, हम लोगों ने सारा कुछ सही है। ओके, देन ओके टाइटल भी दे देते हैं यहाँ पे, बटन दे देते हैं। ओके ठीक है, चलो अभी इसको सेव हुई हो चुका है, आई थिंक ये सेव ही है, और फिर यहाँ पे कैंसिल जाते हैं, और इसको फिर से इसी तरह एक और बना लेते हैं फटाफट। बस इसी तरह सेम हम लोगों को चार और, मतलब तीन और बना लेना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये दो तो बन चुका है हमारा, दो बटन, और ये एक मिनट, चलिए यहाँ पे दो बटन हो गया। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना कोशिश करूँगा ताकि ये आसानी से ये दिखे हम लोग को, थोड़ा सा अच्छा लगे, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक मिनट इस पर क्लिक करना है। ओके, फिर से हाँ, अब इसको थोड़ा सा आसानी से हम लोग इस पर इसके साइड साइड किनारे को क्लिक करके जस्ट मिनट, हाँ इसको इस तरह से बढ़ा के इसको बराबर कर सकते हैं। ओके, बहुत आसान होगा ये।